कितना एक्सपेक्ट कर रही हो आ जाएगा? 90 प्लस। कैसा एग्जाम गया? अच्छा गया सर, हमने तो पहचाना, हमने किसको पहचाना? हाँ हम पहचान लेगा, हाथ मार दिए, फाड़ दिए। भाई किसको फाड़ दिए? क्वेश्चन को। अच्छा बीच में ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना दिए एकदम अच्छे से? बिल्कुल नहीं। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैंपस पब्लिक स्कूल के सामने खड़े हैं और यहाँ पर आज सोशल साइंस का एग्जाम था, उसी का पेपर का रिएक्शन लेने के लिए हम लोग आए हुए हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। कैसा एग्जाम गया? अच्छा गया सर, हमने तो पहचाना, हमने किसको पहचाना? हाँ हम पहचान लिए। कैसा एग्जाम गया ये पहले बताओ। एग्जाम तो बहुत अच्छा गया, मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है, हम सब बना लिए। अब बीच में कोई मिक्स नहीं ना किए हो? नहीं। अच्छा सेक्शन था ना, सेक्शन में सारे क्वेश्चन, उसके बाद फिर सेक्शन वाइज क्वेश्चन। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आ जाएगा? 75 प्लस आ जाना। चलो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा। सुनो सुनो सुनो, रुक जाओ। कैसा एग्जाम गया पहले बताओ। सर मेरा एग्जाम बहुत अच्छा गया। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आ जाएगा? 75 प्लस आ जाएगा। अच्छा बीच में कुछ एक्स्ट्रा नहीं ना, कुछ मतलब अच्छे से बनाए हो ना? हाँ पूरे अच्छे से बना लिए सर। ऐसा नहीं ना कि बीच में कुछ मिक्स कर दिए एक्स्ट्रा? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। चलो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। कैसा गया आप लोग का एग्जाम पहले ये बताइए। अरे भाग क्यों रही है, कैसा एग्जाम गया बताइए। सर बहुत अच्छा गया। कितना एक्सपेक्ट कर रही है आ जाएगा? 95% प्लस। आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया था घर पे? यस सर। अच्छा तो कितना सेट किए थे आप? 10। 10 सेट किए होंगे ना, तो आपका आपका जो मार्क्स है बहुत अच्छा आने वाला है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा और आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा एग्जाम गया आपका? अच्छा गया। कितना एक्सपेक्ट कर रही हो आ जाएगा? 90 प्लस। चलिए आपने सैंपल पेपर सॉल्व किया था? सर किया। कितना सेट किए थे? मैंने तो 5 ही करा था, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे थे उसमें। अच्छा तो मतलब आप अगर इस एग्जाम पेपर को अगर डिफिकल्ट लेवल पर सेट करना चाहो तो कितना मतलब मीडियम था, इजी था कि हार्ड था? मीडियम था। मीडियम था, चलिए बेस्ट ऑफ लक। कैसा एग्जाम गया बताइए? अच्छा था। कितना एक्सपेक्ट कर रही हो आ जाएगा? 95 प्लस। सैंपल पेपर सॉल्व किए थे? हाँ किए थे। कितना सेट किए थे? 5। चलिए बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। कैसा एग्जाम गया? बहुत अच्छा। कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही हो कि आ जाएगा? 75 प्लस। अच्छा बीच में ऐसा नहीं कि खिचड़ी बना दिए एकदम अच्छे से? बिल्कुल नहीं। अच्छा पढ़ के गए थे ना अच्छे से? हाँ। तैयारी कैसा था? बढ़िया, बहुत अच्छा। चलो बहुत अच्छा, बेस्ट ऑफ लक। कैसा एग्जाम गया? बहुत अच्छा। कितना एक्सपेक्ट कर रही हो आ जाएगा? 70-75 तक। ओके तो भाई अच्छे से बनाए हो ना? यस। अच्छा बीच में कुछ खिचड़ी नहीं ना बनाया, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे ना तो बीच में ना कुछ से कुछ मिक्स कर देते थे। ऐसा कुछ नहीं, पॉइंट बाय पॉइंट एकदम अच्छे से बनाए हो? पूरा एकदम। अगर आपने पॉइंट बाय पॉइंट बनाया होगा ना तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। चलिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कैसा एग्जाम गया? अच्छा गया सर, सारे क्वेश्चन अच्छे से थे, बन गए सारे। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाएगा? आई एम एक्सपेक्टिंग 70 प्लस। 70। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि शरारत करते हैं कि बीच में कुछ भी मिक्स कर देते हैं, ऊपर जो है ना क्वेश्चन उतार देते हैं और लास्ट में क्वेश्चन लिख देते हैं और बीच में जो है ना कुछ भी लिख देते हैं। नहीं ऐसा आपने कुछ किया नहीं ना? नहीं सर, उसको मतलब ये नहीं कि शरारत नहीं करते हैं, ये होता है कि क्वेश्चन को वो अटेम्प्ट करना चाहते हैं। अच्छा। कि हर क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करे कि मेरा मार्क्स कुछ भी उठ जाए। अच्छा। पहले वो बना लिखते हैं सारा और फिर उसको अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन, बस इतना ही सी बात है। अब लोग इसे शरारत कहते तो हम क्या करें भाई, अब ऐसा तो नहीं है कि हमको सारा आता ही है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा आपने कैसा अच्छे से किया था ना, मतलब घर पे प्रैक्टिस सोशल साइंस का अच्छे से किया था ना? जी सर, इसके लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम मिला था और मेरी सारी प्रैक्टिस अच्छे से हुई थी। ओके तो भाई आपने पॉइंट बाय पॉइंट आंसर को लिखा है ना, क्योंकि आपके टीचर्स भी बताएंगे कि पॉइंट बाय पॉइंट लिखने से ही अच्छा मार्क्स मिलता है। जी सर, SST का एग्जाम था और इसमें पॉइंटिंग ही ज़्यादा मैटर करता है, क्योंकि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतना पॉइंट लिखेंगे, उस हिसाब से टीचर को भी नंबर देने में आसानी रहती है। चलिए मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, अच्छा मार्क्स आपको आए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। कैसा एग्जाम गया बाबू आपका? बहुत अच्छा गया। कितना एक्सपेक्ट कर रही हो आ जाएगा? 80 में से 70 प्लस। अच्छा आपने कैसा मतलब घर पे कैसा प्रैक्टिस किया था सोशल साइंस को लेकर? मैं तो सारा वो जो एक्स्ट्रा बुक्स थे उसको उससे प्रिपेयर्ड किया था, एडुकार्ट बुक को मैंने रिकमेंड किया था और NCERT से किया था और यूट्यूब चैनल से मैंने पढ़ा था। अच्छा तो सैंपल पेपर आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया था ना? हाँ हाँ, उसी से क्वेश्चन भी आए। ओके तो लगभग आपने कितना सेट किया था? मैंने कम से कम 10 सेट तो किया ही था। अगर आपने 10 सेट किया होगा ना तो आप अच्छे से बना के आए होंगे। हाँ। चलिए तो आप लगभग एक्सपेक्ट कितना कर रहे हो फिर से बताना? 80 मार्क्स टोटल, इसमें 70 प्लस। चलिए मेरा आशीर्वाद आपके साथ है, बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, थैंक। एक मिनट सबका ले रहे हैं, टेंशन मत लो आप लोग। कैसा एग्जाम गया पहले ये बताइए। बहुत अच्छा एग्जाम गया। कितना एक्सपेक्ट कर रही हो आ जाएगा? 97% आ जाएगा। ओके तो आपने घर में सैंपल पेपर अच्छे से सॉल्व किया था? हाँ। कितना सेट आपने किया था? 4 सेट। कितना? 4 सेट। 4 सेट किए थे, चलिए आपका मार्क्स अच्छा आ ही जाएगा। अगर आपने 4 सेट अच्छे से किया होगा तो आपका मार्क्स अच्छे से आ जाएगा। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक।
कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया एग्जाम। अच्छा तो कितना एक्सपेक्ट कर रही हूँ आ जाएगा, लगभग में कितना आ जाएगा आउट ऑफ 80? 70 प्लस आ जाना। 70 प्लस। सैंपल पेपर सॉल्व किए थे अच्छे से? हाँ सैंपल पेपर। कितना सेट किए थे सैंपल पेपर? हम एसएस का एक ही सेट किए थे। एक ही सेट किए थे, अच्छा तो आइडिया तो मिल ही गया होगा। तो मतलब अगर डिफिकल्ट लेवल पर सेट करना चाहे इस एग्जाम के पेपर को, तो हार्ड था, मीडियम था कि बहुत ईजी था? नहीं मीडियम था। मीडियम था, चलिए बेस्ट ऑफ लक। कैसा एग्जाम गया पहले ये बताइए। फाड़ दिए, फाड़ दिए भाई। किसको फाड़ दिए? क्वेश्चन को। क्वेश्चन फाड़ोगे तो भाई लिखोगे कैसे? अच्छा एग्जाम के बाद फाड़ दिए। अच्छा तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आ जाएगा? 75। 80 भी आ सकता है। 80 आ सकता है। अच्छा प्रैक्टिस करके घर से गए थे? नहीं नहीं, चार दिन से। चार दिन से बुखार लगा था, तो क्या पढ़े थे भाई? पहले से पढ़े हुए थे। पहले पढ़ लिए थे? सो के उठ के एग्जाम देने आ गए। कैसा एग्जाम गया? अच्छा। मतलब कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आ जाएगा मार्क्स? 70 प्लस। 70 प्लस। अच्छा सैंपल पेपर बनाए थे अच्छे से? हाँ। कितने सेट किए थे? सेट उसमें मतलब 10 सेट था, जिसमें से 8 कर लिए थे। 8 किए थे भाई, तो बढ़िया मार्क्स आ जाएगा। अच्छा ईजी था कि हार्ड था कि मीडियम था क्वेश्चन? ना ज़्यादा इजी था ना हार्ड था, मीडियम था। चलो बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा मार्क्स आया आपको, आशीर्वाद है मेरा। कैसा गया एग्जाम पहले ये बताओ? मेरा तो अच्छा गया भैया। कितना आ जाएगा? 60-70 आ जाएगा। भाई एक रेफरेंस तो बताओ, दो क्यों बता रहे हो, एक बताओ। 65। 65। चलो बेस्ट ऑफ लक। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो आ जाएगा? कुछ भी, कोई एक रेफरेंस? 75 प्लस। 75। अच्छे से बनाए हो ना? हाँ। ऐसा नहीं ना कि क्वेश्चन के बीच में कुछ भी मिक्स कर दिया? नहीं नहीं नहीं। चलो बहुत बढ़िया। कैसा एग्जाम गया बाबू आपका? बहुत बढ़िया भैया। कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आ जाएगा? 85-80 का था तो 75। चलिए बहुत बढ़िया है। आपने सैंपल पेपर सॉल्व किए थे? जी। कितना सेट किए थे? 2-3 सेट किए थे, लेकिन सैंपल पेपर में हार्ड था, बट क्वेश्चन उतना हार्ड नहीं था। क्वेश्चन इजी था ना? जी। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप स्कोर करेंगे। अच्छा दिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेस्ट ऑफ लक।